नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। नजरिया में आज हम खास मुलाकात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति के जाने माने चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री और अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संस्थापक अजीत जोगी के साथ। जोगी जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद दीप्ति जी। ये बताइए, सैकड़ों साल पुरानी कांग्रेस पार्टी और देश भर में अपना विजय रथ लेकर चल रही बीजेपी के आगे आपकी नई नवेली पार्टी को लेकर आप कितनी उम्मीदें लेकर हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने ये महसूस कर लिया है कि ये दो राष्ट्रीय पार्टियां जो दिल्ली से चलती हैं, वो छत्तीसगढ़ केंद्रित विकास, छत्तीसगढ़ के लोगों की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, उसके अनुरूप काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनके एक एक फैसले दिल्ली से होते हैं। यहाँ एक क्षेत्रीय पार्टी की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है, थी बड़े लंबे समय से, और बीच में कुछ प्रयास हुए, विद्याचरण जी ने किया, ताराचंद साहू जी ने किया, पर वो किन्हीं कारणों से असफल रहे। उस सब का विश्लेषण करके मैंने ये सोचा, अगर 2.5 साल पहले 2 साल पहले क्षेत्रीय पार्टी बनती है तो लोग छत्तीसगढ़ की भावना से, ये जिस तरह से बंगाल में क्षेत्रीय पार्टी है, लगभग 2/3 प्रदेशों में भारत के क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कुछ राज्य कर रही हैं, कुछ राज्य नहीं कर रही हैं। मेरा ये मानना है कि जो बड़ा भारी रथ लेकर मोदी जी निकले हैं बीजेपी का, जो सबको रौंदता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, उसको अगर रोकना है तो कांग्रेस अपने वर्तमान स्वरूप में उसको नहीं रोक सकती। जिस स्वरूप में कांग्रेस अब कमजोर रूप में आ गई है, तो उसको रोक सकते हैं, जैसे ममता ने रोका, बीजू पटनायक जी के पुत्र नवीन ने रोका उड़ीसा में, या जयललिता ने रोका तमिलनाडु ने। तो 74 की आंधी में भी क्षेत्रीय पार्टी अगर मजबूत थी तो उसने उस सांप्रदायिक रथ को रोक लिया, और इसी को सामने रखकर मैंने क्षेत्रीय पार्टी बनाई कि कांग्रेस उसको नहीं रोक सकती। लेकिन आपको उम्मीद कितनी है इन चुनाव में? मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि प्रचंड बहुमत से मेरी ही सरकार बनेगी। क्या रणनीति है आपके पास इन स्थापित पार्टियों को पटकनी देने की? देखिए, दोनों पार्टियों की कुछ न कुछ कमजोरी है जिसका लाभ हमें मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, एक ही मुख्यमंत्री रहे हैं, और जितने वादे उन्होंने किए, बड़े बड़े वादे करके चुनाव 3 बार जीते, उन वादों को, जो मुख्य वादे थे, जैसे किसान से कहा कि 2100 रुपये देंगे समर्थन मूल्य, 300 रुपये बोनस देंगे, और जब देने की बारी आई तो 1470 दे दिया। बिजली के बारे में कहा 5 हॉर्स पावर बिजली माफ कर देंगे, उल्टा जो 1 बत्ती कनेक्शन था उसमें भी मीटर लग गया। वो जो कंट्रोल का राशन देते हैं, 35 किलो चावल देंगे कहा था और 7 किलो पे उतर आए। तो हर बार उन्होंने जो वादे किए, लोग बहकावे में आए, पहले चुनाव में, दूसरे में, तीसरे में भी, पर अब समझ गए हैं कि ये जो वादे करते हैं उन वादों के अनुसार सरकार चलाते नहीं है। लेकिन आपका प्लान क्या है? ये तो आप एक वादा खिलाफी की बात करेंगे, योजनाओं से करेंगे, लेकिन प्लान क्या है? जो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है, लोग बदलाव चाहते हैं, उस तो बदलाव अगर चाहते हैं तो उनको एक अच्छा विकल्प सामने आना चाहिए। अभी वर्तमान में जो कांग्रेस का स्वरूप रह गया है, विशेषकर मेरे छोड़ने के बाद, जबकि नीचे का लगभग पूरा आधार मेरे संग आ गया है, तो कांग्रेस के वर्तमान स्वरूप में उनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो प्रदेश का नेता हो, जिले के नेते हैं। कोई दुर्ग जिले का नेता है, कोई अंबिकापुर जिले का नेता है, कोई जहांगीर जिले का नेता है, ना नेता है, ना इस 15 वर्षों में एक बड़ी विपक्ष की पार्टी नहीं है, कोई भी संघर्ष ऐसा नहीं किया, कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि ये पार्टी हमारे हित में काम कर रही लोगों को। इसलिए एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी के कारण भाजपा कमजोर है, दूसरी तरफ मुख्य विपक्ष के रूप में रहकर उन्होंने एक भी अच्छा
आंदोलन नहीं किया किसी भी, न किसान के लिए, न महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए। तो इस तरह से मैं मानता हूं कि दोनों पार्टियों का विकल्प हम ही हैं और जनता हमको ही चुनकर भेजेगी। आपके मुताबिक आपके परिवार से दो चेहरे ही चुनाव लड़ेंगे, तो वो दो चेहरे कौन से होंगे? दो सदस्य ही चुनाव लड़ेंगे, तो कौन होंगे वो दो सदस्य? ये बिल्कुल सही बात है कि चार लोग हैं परिवार में, चारों तो चुनाव लड़ नहीं सकते, दो को प्रचार करना पड़ेगा और दो को लड़ना पड़ेगा। ये अंतिम फैसला अभी हम लोगों ने किया है कि कौन से दो लड़ेंगे, अभी तो सब प्रचार में लगे हैं, पर समय आने पर परिस्थितियां देखकर जब बाकी टिकटें बांट लेंगे हम लोग, तो फिर मुझे जब हम लोगों को लगेगा कि कौन दो लोगों को लड़ना चाहिए, वो दो लड़ेंगे और दो प्रचार करेंगे। नहीं, लेकिन टिकट बंटने की बात आपने कही, चार लोग हैं, चार में से आप तो संस्थापक हैं उस पार्टी के, अमित जी कांग्रेस से निष्कासित हैं, विधायक हैं लेकिन किसी पार्टी में नहीं है हाल फिलहाल। अगर हम रेणु जी की बात करें तो वो फिलहाल कांग्रेस की ही MLA हैं और एक आपकी बहू, तो क्या माना जाए कि रेणु जी आपकी पार्टी से लड़ेंगे या अमित लड़ेंगे? देखिए, जहां तक रेणु जी का सवाल है, हम लोग 41 वर्षों से विवाहित हैं तो, और 24 घंटे साथ रहे हैं, तो ये कल्पना करना कि हम लोग अलग अलग पार्टियों से लड़ेंगे ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभी कुछ तकनीकी कारण हैं, अगर वो कांग्रेस आज छोड़ देती हैं तो उनका विधायक पद चला जाएगा। अभी कांग्रेस में हैं तो वो न केवल विधायक हैं, उपनेता भी हैं, तो जितनी देर तक रह सकती हैं कांग्रेस में उनको रहना चाहिए, जब वक्त आएगा तो पति का साथ ही देंगे। मतलब बहुत सीधे और साफ तौर पर है कि रेणु जी आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरा चेहरा आपका होगा या अमित का होगा या उनकी पत्नी का होगा? हाँ, ये डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब ये तय हो चुका है कि रेणु जोगी जी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बैनर पर चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ। अच्छा, पुनिया जी ने आपके परिवार पर हमला न करने के लिए पार्टी को नसीहत दी है, कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है, क्या वजह हो सकती है? मैं ये नहीं जानता कि ऐसी कोई नसीहत दी गई है, और अगर दी गई है तो वो ही जानते होंगे कि किस लिए ऐसा कहा गया है। मेरे परिवार में हम लोग चार लोग हैं, वैसे अन्य परिवारों पर परिवारवाद का आरोप लगता है, हमारे परिवार में इसलिए नहीं लगता कि हम लोग सब जनता से चुनकर लगातार प्रचंड बहुमत से जीत कर आते रहे हैं। अमित पहली बार चुनाव लड़ा पर प्रदेश में उसने सर्वाधिक मतों से विजय हासिल की, मुख्यमंत्री से भी लगभग 1.5-2 गुना ज्यादा मतों से विजय हासिल की। वैसे ही उसकी माताजी की हालत है, मैं भी जब भी मरवाही से लड़ा हूँ तो प्रदेश में अधिकतम वोटों से जीता हूँ, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम लोग परिवार के कारण जीतते हैं। हम लोग जब भी लड़ते हैं चुनाव तो जनता हम लोगों को जिताती है, तो जनता जब जनादेश हमारे पक्ष में आता है तो परिवारवाद की बात करना उचित नहीं होगा, शायद इसीलिए उन्होंने ये हिदायत दी हो। लेकिन अमित ने तो बड़ा खुलकर हमला किया, कौन पुनिया टुनिया हम नहीं जानते, छत्तीसगढ़ में किसी बाहर से लाए या आयातित नेता की जरूरत नहीं है, अमित ने ये ऐसा आउटसोर्सिंग वाले नेताओं की जरूरत नहीं है। आप और वो आउटसोर्सिंग वाला तर्क तो सही है, पर मैंने उसको व्यक्तिगत रूप से फोन पर कहा था कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो तुमसे बड़े हैं और टूनिया इत्यादि उनको नहीं कहना था, वो गलत बात है। पर ये सही बात है कि पूनिया जी यहाँ आकर नेतृत्व दे सकें, नेतृत्व तो यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा, उनको तो वो मार्गदर्शन दे सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, समन्वय कर सकते हैं, पर उनकी भूमिका यहाँ PCC अध्यक्ष की हो गई, हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ रहते हैं, वही मुख्य वक्ता रहते हैं, वही सब कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि रहते हैं, यहाँ के नेताओं को प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में अमित ने कहा था कि पूनिया जी के भरोसे आप छत्तीसगढ़ थोड़ी जीतोगे, छत्तीसगढ़ के नेताओं के भरोसे छत्तीसगढ़ जीतोगे। अब पूनिया जी
बस्तर में जाएंगे तो ये बिल्कुल, मैं सच बोल रहा हूँ कि एक साधारण कार्यकर्ता ने जो हमारी पार्टी से उतना करीब से जुड़ा भी नहीं है पर सार्वजनिक जीवन में है, उसने मुझे फोन करके बोला ये पूनिया चीज क्या है, क्योंकि बस्तर के लोगों को समझ में नहीं आया कि ये किस तरह के कौन आ रहा है और उसके लिए क्यों इतना हल्ला किया जा रहा। तो इस तरह के व्यक्ति के भरोसे आप छत्तीसगढ़ में कैसे विजय हासिल करेंगे? आपको छत्तीसगढ़ के, आपके पास नेता अगर हैं और नहीं है तो बनाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के नेता, और छत्तीसगढ़ के नेता ही छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से किसी को आप आउटसोर्स करके लाएंगे तो उसको छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास प्राप्त करना तो संभव नहीं है, और यहाँ तो उनकी भूमिका पीसीसी अध्यक्ष की हो गई है। अच्छा, आपने तो केजरीवाल की राह पर चलकर दानदाताओं के साथ डिनर की स्कीम निकाली है, नई योजना बनाई है, तो कितना रिस्पांस मिल रहा है इसमें? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आशातीत। यानी वैसे तो हमने जब चालू किया तो मुझे लग रहा था कि कठिन होगा, 11,000 रुपये बड़ी राशि है, पर परसों ही मुझे बताया, अब तो संख्या और बढ़ गई होगी, परसों तक 1100 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। कि तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये सोचना कि 11,000 देकर कोई डिनर पर नहीं आएगा, ये डिनर नहीं है एक्चुअली, यह एक अवसर है मेरे साथ अंतरंग बातचीत का, जो मैं 3-4 घंटे दूंगा उनके लिए, और केवल 100 लोग रहेंगे, अलग अलग टेबलों पर पांच सात लोगों के साथ में बैठूंगा। तो जिस विषय में वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरा क्या दृष्टिकोण है, वो बता सकूंगा, उनको और नजदीक से जान सकूंगा। तो ये एक डिनर नहीं कहा जा सकता, इसे ज्यादा उचित होगा एक अंतरंग भेंट का अवसर है, इसलिए इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा, लोग जानना चाहते हैं और नजदीक से, मुझे दूर से देखा है टेलीविजन से, दूर से देखा है मंच पर, सबने तो व्यक्तिगत रूप से बातचीत नहीं की है, तो ऐसे लोगों की लाइन लग गई है जो उस डिनर में सम्मिलित होना चाहते हैं। आपकी पार्टी को चुनाव चिन्ह नहीं मिला, लेकिन आपने कई सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, ये कांग्रेस पे कोई प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जैसा आपको बताया, कांग्रेस से मुझे कोई शिकायत तो थी नहीं, कांग्रेस में मुझे सब कुछ मिला, अच्छा स्थान भी था, सम्मान भी था, पर जब मुझे ये महसूस हुआ कि ये कांग्रेस जिस रसातल पर पहुंच गई है उसमें वो भाजपा को नहीं रोक पाएगी, उसका इस स्वरूप में भाजपा को रोकना, जो केंद्रीय नेतृत्व या यहाँ का नेतृत्व जो भी था, वो जब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि क्षेत्रीय पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, इसलिए मैंने क्षेत्रीय पार्टी बनाई। तो अब कांग्रेस के ऊपर पर कोई प्रेशर बनाने की बात नहीं है, और जहां तक चुनाव चिन्ह का सवाल है, वो तो नियम है कि चुनाव के 6 महीने पहले ही चुनाव चिन्ह पहली बार आवंटित होता है, पर हमारी प्राथमिकता पूछने के लिए हमें बुलाया गया था, हमने अपनी प्राथमिकता दे दी है, और नियम के अनुसार वही चिन्ह हमें मिलेगा, क्योंकि मेरे पहले उस चिन्ह को और किसी ने मांगा नहीं है, इसलिए मैंने, हमारी पहली प्राथमिकता नारियल है, जो ईश्वर को, भगवान को, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, चढ़ाया जाता है। तो मुझे लगा ये चिन्ह बहुत अच्छा है, और ये चिन्ह चुनाव आयोग के जो चिन्हों की सूची है उसमें दिया भी गया था, तो नारियल चिन्ह ही मैंने मांगा है, और पूरी उम्मीद है कि वही चुनाव चिन्ह हमको मिलेगा। बाकी ऑप्शंस आपने क्या दिए हैं? बाकी और ऑप्शंस, 9 ऑप्शंस दिए जाते हैं और दिए हैं, पर उनका जिक्र करना उचित नहीं है, क्योंकि पूरी संभावना यह है कि वही चिन्ह हमको मिल जाए। नारियल को ही क्यों चुना आपने? अब नारियल को, जैसा मैंने कहा, एक ऐसा फल है जो कभी सड़ता नहीं, एक ऐसा फल है जिसे लोग पवित्र मानते हैं, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में ईश्वर को भेंट करने के लिए वही फल दिया जाता है, और हर भारत का हर व्यक्ति, छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति
उस फल से परिचित है, क्योंकि जब भी पूजा पाठ करने जाता है तो नारियल लेकर तो जाता ही है। तो एक जाना पहचाना चिन्ह है। अगर हम बोल देंगे कि नारियल चिन्ह है तो समझाना नहीं पड़ेगा कि उसकी आकृति क्या होती है, वो दिखता कैसा है, लोगों का जाना पहचाना चिन्ह है। पार्टियों के लिए चुनौती होती है, खासकर नई पार्टियों के लिए, कि वो अपना चुनाव चिन्ह जनता के बीच कैसे पहुंचाएं। अगर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो आदिवासी बहुल इलाके हैं, तो किस तरह से आप इतने कम समय में इस चिन्ह को जनता तक पहुंचा पाएंगे? ये कठिन बात है, बिल्कुल मैं मानता हूं, और इसीलिए हमने अभी से ये बताना चालू किया है। हम ये तो नहीं कह सकते कि नारियल हमारा चुनाव चिन्ह है, पर हमने ये बताना जरूर चालू कर दिया, जो बात मैंने आपको बताई कि जब हमसे पूछा गया है तो हमने इस चिन्ह की मांग की है, और ज्यादा संभावना यही है कि यही चिन्ह मिलेगा। तो काफी लोगों को अब समझ में आ गया है कि यही चिन्ह नियमानुसार हमको मौके पर यही चिन्ह मिलेगा। अभी जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर रिलीज करा, कुछ ऐसे पोस्टर्स लगाए जिसमें आपको बाहुबली के तौर पर दिखाया गया। मुझे ऐसे पोस्टरों का तो ज्ञान नहीं है, और किसी कार्यकर्ता और ने इसमें यह लिखा कि बीजेपी का विजय रथ आप ही रोक सकते हैं। ये तो सही लिखा, उस विजय रथ को तो मैं रोकूंगा ही, पर बाहुबली से तुलना की या किसी से, वो कार्यकर्ता की अपनी अपनी कल्पना होगी। लेकिन इसका मतलब ये माना जाए कि आपके सामने बीजेपी ही बड़ी चुनौती है, कांग्रेस को आप चुनौती नहीं मानते? हाँ, मैं अब जो कांग्रेस जिस स्वरूप में रह गई है उसको अप्रासंगिक मानता हूँ। अब उसका अस्तित्व केवल नेता नेता रह गए हैं, जिनको पद मिला है वही रह गए हैं, पर जितने कांग्रेस को लोग सपोर्ट करते थे लगभग सभी लोग अब हमारी तरफ आ गए। मतलब सिर्फ बीजेपी चुनौती है आपके लिए? बीजेपी चुनौती होगी, विशेषकर इसलिए होगी क्योंकि धन बल में बहुत मजबूत है, और जो लड़ाई होगी हमारी और उनके बीच की, वो धन बल और जन बल की लड़ाई होगी। और जैसा हमेशा होता है कि धन बल और जन बल की लड़ाई में जन बल ही विजयी होता है। कहीं ऐसा ना हो, ज्यादातर ये माना जाता है कि जो छोटे दल बाद में खड़े होते हैं या जो क्षेत्रीय दल होते हैं जो शुरुआती दौर में नए होते हैं, जैसे आपकी पार्टी अभी नहीं है, तो ऐसा ना हो कि जो सरकार की नाराजगी के वोट हैं जो सीधे सारे कांग्रेस को जाने चाहिए वो कटकर आपके पास आ जाए, न कांग्रेस सरकार बना पाएगी ना आप बना पाएंगे, वापस बीजेपी राज करेगी। ऐसी संभावना बहुत से लोग मानते हैं, ज्यादातर ये माना जाता है, ज्यादातर लोगों का ये इक्वेशंस देखे जाते हैं तो, कि कांग्रेस के वोट बढ़ जाएंगे, कुछ वो लेंगे कुछ हम लेंगे, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। पर मैं अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी में भाजपा का भी बहुत बड़ा तबका आया है। अभी जैसे मैंने जो टिकटें बांटी, दो एक लोग ऐसे हैं जो भाजपा में विधायक रहे हैं, वो लोग हमारे पास आए हैं। तो भाजपा में जो ये मानना कि पूरी भाजपा एक रह जाएगी और उसका उसके वोटों का शरण नहीं होगा, ये गलत है। भाजपा के वोट भी हमको मिलने वाले हैं, कांग्रेस के वोट भी हमको मिलने वाले हैं, और जो फेंस सिटर्स थे जो अंत समय में डिसाइड करते थे, वो वोट भी हमको ही मिलेंगे। जिस अगस्ता हेलीकॉप्टर को लेकर, घोटाले को लेकर राज्य में जो है देश भर में बवाल मचा हुआ है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्ता खरीदा है, और उसी अगस्ता से आप तूफानी दौरे कर रहे हैं। देखिए, अगस्ता के खरीदने पर भ्रष्टाचार हुआ है। वैसे अगस्ता पे तो वो हेलीकॉप्टर जो सबसे सस्ता उपलब्ध होगा उसी को लोग किराए पर लेंगे, तो हमने खरीदा तो नहीं है, तो हम भ्रष्टाचार के सहभागी नहीं हैं। और इसी अगस्ता पर राहुल गांधी जी भी चल रहे हैं, इसी अगस्ता के हेलीकॉप्टर पर भाजपा के तमाम नेता चल रहे हैं। ये जब पूरे देश में बड़ी संख्या में उपलब्ध है, भ्रष्टाचार तो खरीदी में हुआ है, तो जब जिसने खरीदा है उस पर आरोप लगेगा। अब जब खरीद कर वो किराए पर दे रहा है तो किराए में क्या भ्रष्टाचार होना है? चलिए, नजरिया में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, इसके बाद आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।